हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सुबह से ही बादल छाए हुए थे और हल्की सी बूंदाबांदी हो गई है। बस 5 मिनट ही हुई है पर मौसम अच्छा हो गया दोस्तों। और ये देखिए, पेड़ों को 5 मिनट की बारिश से ही कितनी राहत मिल गई है। एकदम से इसके पत्ते धुले धुले हो गए मेरे सारे पेड़ों के, और फूल देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि ये धूप में जल चुका था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बादल बादल है, तेज धूप नहीं हुई आज। इसी के साथ देखिए, एक जोरा प्लांट में फ्लावरिंग होती हुई और कुछ फूल सूख भी गए हैं। अब नए नए फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से मैंने ये सारे प्लांट अपने दीवार की जगह हटा के आगे कर दिए थे, ताकि इन सब में बारिश का पानी पड़ जाए। और इन सब के पत्ते धुल गए हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम से। सब के कलर फेड हो गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि बारिश की तो 2 बूंदे ही पड़ जाएं अगर पेड़ों पर, तो उन्हें बड़ी राहत मिल जाती है। तो ये कोलियस कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिलोय की। मैं आपको ये गिलोय की लकड़ी दिखा रही हूँ। ये लकड़ी मेरे पास कम से कम 8-9 महीने से पड़ी हुई थी। पहले मेरे यहाँ गिलोय थी तो मैंने उसकी कटिंग कर दी थी, और उसके बाद ये लकड़ियाँ थोड़ी सी रख ली थी गिलोय का पानी बना बना के पीने के लिए। अब मैंने ये लकड़ियाँ कुछ दिनों से देख रही थी कि 2-3 टुकड़ों में से इस तरह से, ये देखिए, ये आप देखिए कितनी लंबी लंबी ये जटाएँ जैसी निकल रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये नीचे तक चली गई थी, ये देखिए बहुत लंबी दोस्तों। ये देखिए आप एकदम से, ये तो जो एक दो दिन हो जाता है निकले हुए वो सूख गई हैं, और ये बिल्कुल बिल्कुल हरी एकदम से, ये इस तरह से लंबी लंबी जटाएं जैसी निकल रही हैं। और ये देखिए यहाँ से, तो ये लकड़ी जो है केवल रखे रखे इसके अंदर से ग्रोथ शुरू हो गई, ना मिट्टी में लगी थी ना पानी में लगी थी, और फिर भी इसमें से जैसे ही बारिश की 2-4 छींटे पड़ी, 1-2 दिन में ही इतनी ज़्यादा इसमें से ग्रोथ होने लग गई थी। और जब 1 हफ्ते पहले शुरू हुई थी बारिश, तब भी इसमें से इस तरह से जटाएं सी निकलने लग गई थी। तो मैंने जो पहली लकड़ी थी मेरे पास, उसको मैंने एक गमले में लगा दिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें भी यहाँ से ये निकल गए, ये पत्ते भी बन जाएंगे, जबकि देखिए कहीं से भी ना गीली है ना मिट्टी में लगी है। ये देखिए हर जगह से इसमें से रखे रखे अपने आप ग्रोथ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लकड़ी को हम 1-2 साल के बाद भी अगर मिट्टी में लगाएंगे, तब भी इसमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे और ये मिट्टी में लग के ग्रोथ शुरू कर देगी अपनी। चलिए वो लकड़ी दिखाती हूँ जो मैंने अभी लगाई है। ये देखिए दोस्तों, ये लकड़ी लगी हुई है, और इसको मैंने बस ऐसे ही लकड़ी को ला के लगा दिया था, क्योंकि इसमें से भी उसी तरह से ब्रांच शाखाएं निकलनी शुरू हो गई थी। और इसने 2 दिन के अंदर ही इतनी अच्छी ग्रोथ लेनी शुरू कर दी, और अब तो इसे लगाए हुए 1 हफ्ता हो गया है। और ये देखिए आप, ये मेरे गुलाब के पेड़ में लग के और ये कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो जैसे ही मानसून आने वाला होता है, तभी एकदम से गिलोय में अपने आप ग्रोथ हो जाती है। और ये छोटा सा पॉलीथीन बैग है, उसी के अंदर मैंने इस लकड़ी को गाड़ दिया था, और ये नीचे से भी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो गिलोय एक ऐसा पेड़ है जिसे किसी भी तरह की केयर की जरूरत नहीं होती है, और आप कहीं भी लगा दीजिए, छोटे से पॉली बैग में भी लगा दीजिए, ये अपने आप ही ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। ये हमारे लिए वैसे तो बहुत ही लाभदायक है गिलोय, और अभी कोरोना काल के में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। तो इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये पेंट का छोटा सा डिब्बा पड़ा हुआ था मेरे पास, उसी में मैंने ये एक दो डंडी इसमें लगा दी थी। और ये देखिए, ये भी बहुत पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, ये इसमें से मैंने ये लकड़ियाँ लगा दी थी, बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी थी। और ये देखिए अब आप कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसके अंदर, देखिए पूरी ये ऊपर छत तक चली गई है, और अब ये नीचे भी जाने लगी है। तो आयुर्वेद में तो गिलोय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों, और आप लोग तो जानते हैं, तो आप लोग भी अपने घर में गिलोय लगाइए। अगर आपके पास भी सूखी लकड़ी पर पड़ी है तो इस समय वो भी लगा देंगे, वो भी लग जाएगी। इसके लिए कोई नॉर्मल मिट्टी चाहिए ना, तो इसके लिए ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, ना ही किसी बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। हम छोटे से किसी भी बैग में लगा देंगे और उसी में चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।